नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 73। ए बी सी पार्टनर है फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उनकी 2:1 है। हाउ एवर सी को क्या दी गई है, गारंटी दी है। अब देखते हैं गारंटी किसने दी है। गारंटी कहता है मिनिमम जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा आपको 10,000 तो कम से कम मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा हर साल आपको। तो सी को जो क्या है 10,000 हर साल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो गारंटी किसने दी है, उससे हम पैसे चार्ज कर लेंगे जो गारंटी देगा। लिखा है एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी आती है अमाउंट जो उसको पे किया जाएगा वो किसके, शैल बी मेट बाय बी, तो उसकी गारंटी कौन देगा, बी। सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने ए और बी दोनों से ही जो शेयर था सी का, जो गारंटी दी गई थी वो चार्ज किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बी गारंटी देता है तो सिर्फ बी से ही चार्ज किया जाएगा अगर कोई डेफिशिएंसी सी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर होती है। लिखा है द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर, 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, 31 मार्च 2014 और 16, 2 सालों का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 40,000 और नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है 60,000। लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ दोनों सालों का। तो ये कौन से का अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2015 के लिए और ये कितने के लिए हो जाएगा, 2016 के लिए। यहाँ क्या लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये क्या लिख देते हैं, अमाउंट, यहाँ क्या आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, वो इजी आप बना सकते हो। लिखा है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है। नेट प्रॉफिट हमारे को फर्स्ट में दिया है 40,000 और नेक्स्ट में कितना दिया है, बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रेशियो क्या है, 2:1। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर कौन कौन है, ए है, अब स्पेस नहीं छोड़ देंगे ए के लिए क्योंकि ए ने तो गारंटी नहीं दी, बी में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, बी सी में स्पेस छोड़ देते हैं। ए से कितना चार्ज करना है, हम ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम बात करें 40,000 है, 40,000 है और एक कितना है 50,000 है, 40,000 को पार्ट बनाओ, 2 2 4 1 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक हिस्से के अंदर 8,000 आ जाएगा। अगर सेकंड की बात करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे 5 से, तो और इनसे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 8, तो यहाँ कितना मिलेगा, 8 16 16, तो इस सी को कितना मिलेगा, इसको मिलेंगे 8,000, ठीक है। और बी को कितने मिलेंगे, 16,000, और सी को कितने मिलेंगे, 16,000। अगर हम बात करें यहाँ कितने मिलेंगे, 10,000 20,000 20,000, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए बी तो गारंटी दे रहा है तो बी में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, सी यहाँ पर कितना आएगा, 10,000 एक पार्ट मिलेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट को कितना मिलेगा, दो पार्ट मिलेंगे 20,000, नेक्स्ट को कितने मिलेंगे, 20,000 दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है। अब लिखा है गारंटी कितनी दे रखी है, कम से कम 10,000 की गारंटी दे रखी है, तो इसको सी को कितने मिले, 8,000, तो इसको 2,000 मिलने चाहिए। और ये गारंटी किसने दी थी, बी ने गारंटी दी, तो बी से चार्ज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू सी, सी के फेवर में जाएंगे, कितने 2,000, क्योंकि 2,000 की रिक्वायरमेंट है यहाँ 10,000 कंप्लीट करने के लिए। ये लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से आया ये, बी से, कितने 2,000, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 10,000, ये कितने आ जाएंगे आपके, ये माइनस हो जाएंगे ना 2,000, और ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 14,000, और ये कितने आ जाएंगे आपके 16,000, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 40,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40,000। सेकंड केस के अंदर देखो, गारंटी कितनी दी थी आपने, 10,000 की, और इसको 10,000 मिल चुके हैं, तो अब भी कोई भी पैसा नहीं देगा क्योंकि फुल अमाउंट आपको हो चुका है कवर, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये था सेकंड ईयर का प्रॉफिट था आपका 60,000, तो गलती से ये 50,000 लिख दिया, ये कितना है 60,000, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा। तो ये किसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 12,000, इसको मिलेंगे 24, इसको भी कितने मिलेंगे 24। तो आपने गारंटी दी थी 10,000 की, लेकिन इसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 12,000 का। तो ऐसा नहीं है कि आप 2,000 वापिस ले लोगे,
आपने 10,000 तो मिनिमम देने हैं, ज्यादा जितना प्रॉफिट होता है वो तो उसी का ही है, तो इस केस में इससे वापस नहीं लेंगे, और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 60,000, और ये भी 60,000, और ये भी 60,000। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है, आपसे इजी बन जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।